सोशल मीडिया का खुमार युवाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। युवा इसका गलत इस्तेमाल कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खासकर युवा सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है, जहां एक युवक की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए एक युवती से हुई और बाद में उसी युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए मुनाजिर नाम के लड़के से हुई थी। समय बीतता गया तो दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन जब मुनाजिर ने युवती को अपने घर बुलाया तो युवती भी बिना सोचे समझे उसके घर चली गई। आरोप है कि इसी दौरान मुनाजिर ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और इसके बाद बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसकी एक अश्लील वीडियो भी बना दी, जिसके जरिए मुनाजिर बाद में युवती को ब्लैकमेल करने लगा। वहीं सीओ रुद्रपुर निहारिका तोमर ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। देखिए, रुद्रपुर में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक नाबालिग लड़की की कि एक नाबालिग लड़के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके द्वारा उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी खींचे गए। ये वीडियो उसके द्वारा आगे और प्रसारित किए गए और आगे दो और युवकों को भेजे गए जो उसको इस वीडियोस को लेकर ब्लैकमेल किया करते थे। इस कंप्लेंट पर हमारे द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया रुद्रपुर पर और इसमें आधे विगत कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी इसमें गिरफ्तारी हुई नहीं है, गिरफ्तारी शेष है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तुरंत गिरफ्तारी करने के। बहरहाल अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। तो देखा आपने सोशल मीडिया का किस तरह से मिसयूज हो रहा है। युवा सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया बेहद घातक साबित होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।